नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो कमल का फूल है, लोटस, इसको हम सेक्रेट लोटस भी कहते हैं, ये इंडियन लोटस है, ये आप किस तरह से आपके घर में ग्रो करेंगे, कैसे छोटे से गमले में आप इंडियन लोटस, या फिर इसका साइंटिफिक नेम है नेलिम्बो नूसीफेरा, ये नूसीफेरेसी फैमिली के प्लांट है, और इसको आप आसानी से घर में बीज से ग्रो कर सकते हैं। एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने दिखाया था कि इसी पौधे के कैसे हमने सीड से ग्रो किया है, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर से देखें कि कैसे इसको सीड से ग्रो किया जाता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि इसकी कैसे केयर ली जाती है, कैसे इसको खाद डाली जाती है, कैसे इसका पानी चेंज करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे पानी चेंज करें, कैसे इसको खाद डालें और कैसे इसका केयर लें, सारी बातें मैं एक एक करके दिखाऊंगा। पहले मैं दिखाता हूं कि इसके पहले कि लोग वाटर लिली जो है किस तरह से गमले में या फिर कोई आरसीसी रिंग में या फिर छोटे से पौंड बना के, छोटे से तालाब बना के कॉन्क्रीट के लोग उसमें ग्रो कर रहे हैं, और तरह तरह के जो है डिजाइन के पॉट्स में इसको ग्रो किया जाता है। तो आप चलिए दिखाता हूँ मैं, पहले वो देख लीजिए लोग कैसे कैसे ग्रो करते हैं, तो आपको भी आइडिया मिलेगा कि कैसे ये वाटर लिली ग्रो करते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कैसे लोग ये जो ग्रो करते हैं, वाटर लिली हो या फिर कमल का फूल हो, ये लोटस ग्रो करते हैं। तो पहला मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका पानी साफ कैसे किया जाए। इसका जो लोटस के जो पत्ते होते हैं, जो कमल के पत्ते होते हैं, ये जब सड़ जाते हैं तो आप उसको ऊपरी के हिस्से से आप छोटी सी कैंची लेके ऊपर के हिस्से से पत्ता काटते रहें, थोड़ी इसकी टहनी रहने दें, टहनी नीचे तक नहीं काटे, ऊपर ऊपर काटें, और इस तरह के जितने भी सड़े हुए पत्ते हैं तो इसको साफ कर दें, क्योंकि ज़्यादा सड़े हुए पत्ते होने से ज़्यादा गंदगी पानी होगी। हालांकि लोटस जो होते हैं वो ग्रो करते हैं गंदे पानी में ही ग्रो करते हैं, तालाब के पानी में ग्रो करते हैं, लेकिन चूँकि ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर में ज़्यादा गंदगी होगी तो आपके बैक्टीरिया ग्रो ज़्यादा करेंगे और पौधे ख़राब होंगे। तो इस तरह क्या है, जो भी पौधे के पत्ते जो हैं ख़राब हो गए उसका ग्रो किए, और ये देखिए पत्ते इसमें से ग्रो कर रहे हैं, ये पत्ते अभी खुले नहीं हैं, पत्ते खुलेंगे तो ये जो है बड़े पत्ते की तरह शेप में आ जाएंगे, और ये पत्ते की शेप करीब 7 से 8 इंच की डायमीटर के पत्ते हैं, और ये भी अभी काफ़ी बड़े होंगे, इसमें काफ़ी अभी फूल आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसके साफ किया जाए, उसके बाद में दिखाऊँगा पानी कैसे चेंज किया जाए, उसके बाद में दिखाऊँगा आपको कैसे इसमें खाद डाला जाए। तो ये पहले देखता हूँ मैं, पहले इसको अच्छी तरह से सफाई कर लेता हूँ, ऊपर के पत्ते जितने भी सड़े हुए पत्ते हैं मैं इसको सफाई कर लेता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, दूसरा जो हिस्सा है इसमें मैं पानी चेंज करना आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका पानी चेंज किया जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये दो नंबर टिप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे पानी चेंज किया जाए। तो पानी आप चेंज करेंगे, वैसे तो आप 5-7 दिन में पानी चेंज कर सकते, जहाँ पर मच्छरों का प्रकोप है, जहाँ मच्छर ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर 5-7 दिन में चेंज करें, और जहाँ पर मच्छर का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर महीनों में एक बार आप पानी में चेंज कर सकते, 1 महीने में एक बार पानी चेंज कर दें, और जहाँ आप चाहते हैं तो पानी में कुछ मौली फीस या फिर गप्पी फीस जो मछलियाँ आती है जो मच्छर के लार्वा खाती है वो भी आप दे सकते हैं। और ये पानी लें, पानी अगर टैप वाटर लेते हैं तो उसका आप 24 घंटे रख लें ताकि उसमें से क्लोरीन और फ्लोरीन सारी उड़ जाए, उसके बाद वो पानी आप 24 घंटे बाद प्रयोग में लाए, जो कि आप जो टैप वाटर होता है उसमें क्लोरीन मिला हुआ होता है तो वो पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह से हम पानी को रख देंगे 1-2 दिन और उसके बाद हम पानी का प्रयोग करेंगे। तो ये तो पानी मैं निकाल लेता हूँ सारा, अच्छी तरह से इसका सफाई कर लेता हूँ। करीब 80% पानी, 80% पानी आप निकालें, 100% पानी निकालने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 70 से 80% पानी इसमें निकाल दें, उसके बाद हम इसमें नया पानी डालेंगे। तो इस तरह से आप पानी हमने चेंज करें, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फर्टिलाइज करेंगे, खाद डालेंगे,
खाद में आपको दिखाता हूँ इस तरह का अगर खाद है आपके पास 19:19:19 और या फिर 20:20:20 NPK ये आता है नर्सरी में, या फिर आपके पास नहीं है ये तो आप 10:26:26 अगर NPK वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई भी कुछ भी नहीं मिले तो ये DAP ले लीजिए। DAP नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कोई भी एग्रीकल्चरल शॉप में मिल जाएंगे। तो आप लेने के बाद आप आधा चम्मच वो ले एक कागज़ के टुकड़े में, ये लेके इसकी एक पुड़िया बना लें अच्छी तरह से। और ये पुड़िया देखिए, ध्यान से देखिए मैं कैसे पुड़िया बना रहा हूँ। पुड़िया बनाने के बाद इसको कागज़ को पुड़िया को आप वो जो गमले की जो मिट्टी है उसके अंदर बिल्कुल नीचे 2 या 3 इंच नीचे तक इसको दबा दें अच्छी तरह से नीचे। और ये देखिए मैंने दबा दिया, और ये तो मैंने DAP दबाया। अब आप चाहें तो NPK भी इसी तरीके से आधा चम्मच आप NPK लीजिए, कोई भी कागज़ का टुकड़ा या सूती कापर का कपड़ा का टुकड़ा है तो उसमें इसको डाल के अच्छी तरह से इसको मोड़ के एक पुड़िया बना के, और ये जो कीचड़ है कीचड़ का जो है उसमें हम नीचे इसको डाल देंगे मिट्टी के नीचे तक करीब 2 या 3 इंच तक इसको नीचे डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो साफ पानी है वो साफ पानी इसमें हम भर देंगे। ये पानी भरने के बाद ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, और आप धूप में रखिए बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या पर जहाँ पर हल्की धूप आती है वहाँ पर भी चलेगा, लेकिन धूप आना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने पानी भर दिया है, और ये पानी थोड़ा सा गंदा दिख रहा है आपको, लेकिन ये थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से लोटस ग्रो कर सकते हैं, और महीनों भर में उम्मीद है बहुत सारे फूल इसमें आएंगे। अगर फूल आएंगे तो मैं आपको भी वो भी वीडियो आपको साथ शेयर करूँगा, अपडेट दूंगा आपको। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस गार्डनिंग इज माई पैसन हिंदी भाषण में नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे चल कर मैं बहुत सारे वीडियो देने वाला हूँ इस चैनल में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।